उधर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नवि सिंह राठी को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दरअसल पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में पूर्व विधायक नवि सिंह राठी को अग्रिम जमानत याचिका मिली हुई है और जगदीश नंबरदार के बेटे गौरव राठी ने नवि सिंह राठी की जमानत याचिका रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद नवि सिंह राठी को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे सतीश नंबरदार ने गवाहों को डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप नवि सिंह राठी पर लगाए हैं। कोर्ट ने ये नोटिस इनको नवि सिंह को के खिलाफ और सोनू के खिलाफ किया है और हमारी तो सिर्फ एक ही है कि हमें न्याय चाहिए। हम न्याय की लड़ाई लड़न लग रहे हैं। जो मेरे भाई के साथ हुआ वो इस शहर में और किसी के साथ ना हो। धमकी हमारे जितने भी गवाह हैं हम हैं, हमारे को बार बार ये टॉर्चर किया जा रहा है, या तो समझौता कर लो या हमारे गवाहों को बार बार किसी ना किसी तरीके से प्रभावित किया जा रहा है कि भाई तुम इनका साथ छोड़ दो। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसके लिए भी हमने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है और अपने गवाहों के लिए प्रोटेक्शन मांगी है।